क्वेश्चन जो है ना हम कर रहे हैं, इसमें देखें हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोज एक्स गिवन है और हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच ये हमने फाइंड करना है। तो हमने इसमें क्या किया है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पे एक्स है वहाँ हमने ए प्लस एच लिखा है, बिल्कुल ऐसे जहाँ पे एक्स है वहाँ हमने ए प्लस एच लिखा है। ये अब हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बन गई है। इसी तरह एफ ऑफ ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ हम ए पुट करेंगे। तब हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए दोनों के वैल्यूज हैं पड़े। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच जहाँ है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, कॉस ए प्लस एच, माइनस है तो माइनस, फिर एफ ऑफ ए की जगह पे कॉस ए और नीचे हमारे पास एच है। अब इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो वो इक्वल होता है हमारे पास माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू के। तो बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे पास कोज अल्फा है ये सारी वैल्यू और ये कोज बीटा है। तो हम इसे इसी फॉर्मूले के तहत ओपन करते हैं, माइनस टू साइन, अब इसी तरह अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा, अल्फा यानी कि ए प्लस एच और प्लस बीटा की जगह पे ए और बाय टू, इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि ए प्लस एच माइनस ए और बाय टू और नीचे हमारे पास क्या है, एच है। अब इसमें हमारे पास देखें तो हम नेक्स्ट करते हैं, माइनस टू साइन, अब ए और ए ऐड होके टू ए प्लस एच बनाएंगे और नीचे टू, इसी तरह साइन, अब ए से ए कैंसल, बाकी हमारे पास एच बाय टू और नीचे एच। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एच है हम बाहर ले आते हैं, तो ये माइनस टू बाय एच और साथ हमारे पास साइन हो जाएगा। और इसी तरह ये जो टू है ना ये दोनों के नीचे है, एच के नीचे भी है, साइन एच बाय टू, अब टू से टू कैंसल हो जाएगा, तो माइनस टू बाय एच साइन ए प्लस एच बाय टू साइन एच बाय टू और ये हमारा आंसर है।